नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर एक और टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मैट्रिक्स कंप्लीट कर लिया था, आज हम डिटरमिनेंट्स कंप्लीट करेंगे। सारणिक किसे कहते हैं, संपूर्ण जानकारी एक ही क्लास के अंदर जब पढ़ाया था तो उसके अंदर 6 क्लासेज हुई थी, लेकिन आज एक क्लास के अंदर ही हम कंप्लीट करेंगे। फिर आप क्या देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको MCQ टाइप प्रैक्टिस में करवाने वाला हूँ, और साथ ही साथ दोस्तों आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा। देखिए कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, जब मैंने इसकी क्लासेस कराई थी तो उसमें साथ साथ अब मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मैंने करवाई थी, तो वो वीडियोस भी मैं आपको प्रैक्टिस वाली इस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा, ताकि वो भी आप प्रैक्टिस कर सकें। तो यानी बहुत सारा आपके लिए प्रैक्टिस का मैटर हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त भी मैंने प्रीवियस ईयर की स्पेशल वीडियो बनाया था, यानी मैट्रिक्स है तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस प्रकार आए हैं वो करवाया था, कुछ क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए ऐसे भी मैंने करवाए थे। तो यानी वो सारे वीडियोज आपको यहाँ पर ऐड हुए मिलेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे, और जो अब प्रैक्टिस कराऊंगा एक वीडियो वो हो जाएगा। तो यानी 3-3, 4-4 वीडियो प्रैक्टिस के आपको मिल जाएंगे, तो आप जो प्लेलिस्ट है उसमें चेक करते रहना, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पर वीडियोस ऐड होते रहेंगे, क्योंकि जो पुरानी वीडियो डाली हुई हैं उनके नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, अब जो नहीं कराऊंगा उनके तो आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में मैं ऐड करता रहता हूं, तो वो चीजें आप जरूर देखते रहिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं डिटरमिनेंट सारणी, और उम्मीद है आपको चीजें सारी समझ में आ रही होंगी, जो हमारा रिवीजन हम फास्ट तरीके से कर रहे हैं। बस थोड़ा सा इनको साझा कर दिया करें। बस देखो सारणिक क्या होता है, डिटरमिनेंट्स, यानी इसे कोई अब समझाने वाली कुछ नहीं है। देखो इसे इस प्रकार हम व्यक्त करते हैं सारणिक, या फिर डिटरमिनेंट ए द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। सारणिक का मान कैसे निकलता है, मान लीजिए ये आपके पास 2 कोटि की कोई सारणिक है, 2 कोटि की इस प्रकार आपके पास मैंने सारणिक मान लिया, ठीक है। अब देखो सारणिक निकालना है 2 कोटि की, सबसे पहले 2 ऑर्डर की है, तो देखिए इस प्रकार इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, तो कितना हो गया 12 - 8 यानी 4, तो इसका डिटरमिनेंट यानी ए सारणी का मान कितना आ गया 4। वहीं अगर हम बात करें 3 कोटि की हो, बस फटाफट चीज़ें समझनी आपको, ऑर्डर 3 की हो, जैसे इस प्रकार मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 0, ठीक है 3 कोटि की है, तो वहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहला ध्यान में रखना है प्लस चिन्ह याद रखें, प्लस क्रम से चलेंगे, प्लस माइनस प्लस, फिर क्या आएगा देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, यानी ऐसे भी देख लो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ऐसे क्रम से ये चीज़ें चलेंगी। अब इनका अर्थ क्या हुआ सर, यानी आप किसी भी पंक्ति, मान लीजिए ये पंक्ति आपने ले ली, इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे, अब ये पंक्ति आपने ली है तो इस पंक्ति को छोड़ दीजिए, इसके स्तंभ को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा है उसका गुणा करा दीजिए, और वही जो 2 वाला बन गया ना। अब देखो मान लीजिए इसका निकालना है तो पहले 1 लिखेंगे, ठीक है, अब इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, अब देखो सेम टू सेम 2 ऑर्डर वाला बन गया, गुणा कराएंगे क्या हो गया देखो 5 × 0 - 48, फिर देखो उसके बाद में अब ये ऐसे ले रहे ना, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा 3 माइनस, तो माइनस लगाएंगे 2, ऐसे सारणिक निकलेगा, फिर देखो 2 दिया है तो इस स्तंभ को छोड़ दिया, इसकी पंक्ति छोड़ दिया, अब इसको इसके साथ गुणा, तो यानी 4 × 0 = 0 आ गया, माइनस का 7 × 6 = 42 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो चिन्ह कौन सा आ रहा है, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह 3 लिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसकी गुणा ये 32 माइनस का 35, अब रिजल्ट देख लो क्या आएगा, यहाँ तो आ गया माइनस का 48, 42 × 2 देखो ये 0 हो गया ना, 42 × 2 = 84, प्लस का हो गया 84, और 32 में से 35 यानी माइनस का 3 बच गया, 3 × 3 = 9 - 9, तो 48 + 6 = 54, 3 = 57, 84 में से 57 आपको घटा देने हैं तो 7 बच गया, यहाँ 2 यानी 27 आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस का, तो इसके ए सारणी का मान कितना आ जाएगा 27। तो ये 3 कोटि वाला समझ गए ना कैसे सारणी का आप ज्ञात करेंगे, ये हो गया। अब आता है उपसारणिक, उपसारणिक देखिए क्या होगा, उपसारणिक उपसारणिक जिसे कहते हैं माइनर उपसारणिक, जिस भी आपके अवयव की आपको उपसारणिक निकालनी है उसकी पंक्ति को छोड़ दीजिए, स्तंभ को छोड़ दीजिए, जो मान बचेगा वही उपसारणिक होगा। जैसे 2 कोटि की बात करें तो ये आपके पास है 2, 4, 8, 6, ठीक है। अब देखिए हमें सबसे पहले फर्स्ट अवयव ये कौन सा है, M11 की उपसारणिक निकालनी है, तो इसकी तो पंक्ति छोड़ दीजिए, इसका स्तंभ छोड़ दीजिए, कितना बचा 6, ये उपसारणिक होगी। M12 यानी ये है,
तो चार की निकालिए, तो ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, कितना आएगा 8। एम टू वन, एम टू वन ये इसकी पंक्ति को छोड़ दीजिए, इसके स्तंभ को छोड़ दीजिए, कितना आया 4। एम टू टू यानी एम टू टू ये है, तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, यानी कितना 2। तो ये क्या होती है उपसारणिक। उसके बाद आता है सहखंड, तीन तीसरी कोटि की भी आ सकती है, तीन कोटि वाली उपसारणिक। देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ये निकल जाएगी। जैसे इसकी निकालनी है, एक की निकालनी है, इसके लिए क्या करेंगे, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, बचेगा कौन सा, ये वाला पार्ट, तो ये इसकी उपसारणिक हो जाएगी। देखो ये उपसारणिक होगी। ऐसे ही दो की निकालनी हो तो दो की निकालेंगे, तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, कितना 4 6 7 4 बोलो, ये इसकी उपसारणिक हो जाएगी। समझ में आ गया उपसारणिक क्या होती है। देखो ये उपसारणिक है, इसके साथ साथ एक नाम और आता है आपका कोफैक्टर। कोफैक्टर यानी सहखंड। कोफैक्टर के अंदर इतना ही है कि जो उपसारणिक है उसको -1 से -1 आई प्लस जे से गुणा करा दो, आई प्लस जे से गुणा करा दो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विषम संख्याएं हैं, जो विषम संख्याएं वाली, जैसे M12 यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जो पल जो सम संख्या है उन वहाँ पर ऐसे चिन्ह रहेंगे, लेकिन जो विषम संख्या है जैसे M11 ये कितना रहेगा, 6 का 6 रहेगा। M12 ये कितना आ जाएगा, -8 हो जाएगा। और M21 ये भी कितना, देखो 3 विषम है, -4 हो गया। और M22 कितना हो जाएगा, 2 का 2 रह जाएगा। यानी यही है कि जो आपके सम संख्याएं हैं उनमें तो प्लस रहेगा, लेकिन जो विषम संख्याएं हैं वहां पर माइनस आ जाएगा, तो उसे आप क्या कहते हैं, सहखंड, कोफैक्टर। अब एक चीज आएगी आपके एडजॉइंट सहखंडज। सहखंडज क्या होता है, जो आपने कोफैक्टर निकाला है, जो कोफैक्टर की जो सारणी ज्ञात की है उसका परिवर्तन ले लो। आप देखो ये अवयव आ गए ना, इनको सारणी के रूप में ले लो। देखो ये सारणी के रूप में ले लिया मैंने, 6 -4 -8 और 2 ये सारणी के रूप में ले लिया। अब एडजॉइंट आता है, एडजॉइंट क्या होगा, इसके बाद इसका ट्रांसपोज और लेना है एडजॉइंट। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो समझ गए बात क्या होती है, पंक्तियों को तो स्तंभों में बदल दो, तो 6 -4 -8 और 2। अब देखो यहां पर एक चीज चेंज हो रही है, कौन सी, देखो अगर आपको पता चल रहा है तो एक चीज परिवर्तित होगी। देखिए कौन सी चीज परिवर्तित हो रही है, यानी इनके तो स्थान बदल रहे हैं आपस में और ये चिन्ह परिवर्तित हो रहे हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहां से मैं अगर ये निकालना चाहूं, ये इसका डायरेक्ट निकालना चाहूं, एडजॉइंट डायरेक्ट निकालना चाहूं, तो इसमें दो कोटि का, इसमें देखो ये तो आपस में स्थान बदल दो, जो विकिरण है उनके विकिरण, ये वाले जो अवयव हैं इनके तो आपस में स्थान परिवर्तित कर दो, और साथ में चिन्ह है वो माइनस लगा दो, स्थान बदल दो आपस में, और चिन्ह है जो विकिरण वाले हैं इनका चिन्ह बदल दो, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, समझे बात को। दो कोटि की ऐसी निकलेगी, चिन्ह परिवर्तित कर दो। समझ गए, यानी इनका तो आपको चिन्ह बदल देना है, ये तो है ना, सॉरी ये तो स्थान बदल देंगे और इनका चिन्ह परिवर्तित कर देंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो सहखंड समझ गए क्या, एडजॉइंट ए, दोबारा सुन लीजिए, एडजॉइंट ए इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है एडजॉइंट ए। और तीन कोटि का कैसे निकालेंगे, ट्रिक आपको बता रहा हूं मैं, देखना। एडजॉइंट ए सुन लीजिए दोबारा, थोड़ा जल्दबाजी हो गई हुई इसमें। क्या होता है, सहखंड आप निकालेंगे, सहखंड का ट्रांसपोज ले लीजिए, बस ये एडजॉइंट है। अब दो कोटि का आपको ट्रांसपोज निकालना है। अब देखो सारी चीजें सीख के आप सहखंड कैसे ज्ञात करेंगे, पहले आपको उपसारणिक ज्ञात करना पड़ेगा। उपसारणिक ज्ञात करने के बाद में जो सम संख्याएं होंगी वो तो प्लस की रहेंगी, विषम संख्या वाले वहां पर माइनस लग जाएंगे, इतना ही सेकंड है। फिर उसके बाद इसका ट्रांसपोज और ले लो, ट्रांसपोज लेंगे यानी पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे, तो ट्रांसपोज होता है। अब देखो दो कोटि का, अगर दो कोटि की सारणिक है उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, दो कोटि की सारणिक का एडजॉइंट वो कैसे निकलेगा, देखिए मान लीजिए आपके पास ये है 2 -3 6 और 4, इसका निकालना है। ठीक है, अब देखो सीधी सी ट्रिक है दो कोटि की, वैसे आप निकालते हैं कैसे, यानी सबसे पहले M11 निकालेंगे, M1 यानी इसके पंक्ति को छोड़ दिया, यहां पर ये बचा आपके पास 4। ठीक है, उसके बाद M12 निकालें, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, क्या आया 6। ट्रिक देखना कितनी सिंपल है, M21 निकालें, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, कितना आया -3। M22 निकालें,
तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, कितना आया? तो उसके बाद सेकंड ओ निकालना था, यानी जो देखो विषम संख्या है वहाँ पर माइनस लगा दो, सम संख्या है वहाँ पर वैसा का वैसा, विषम संख्या ये रही, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इनको सारणी के रूप में लिख दो, चार एम वन टू क्या हो गया, माइनस का छः, चार एम वन टू माइनस का छः है ना, हाँ चार माइनस छः और एम टू वन थ्री और ये दो सारणी के रूप में। अब देखो ये तो इतना आ गया, अब एडजॉइंट ओ निकाला है तो इसका ट्रांसपोज और कर दो, ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए पंक्तियों को स्तंभों में, तो चार माइनस का छः और ये ऊपर आ गया तीन और यहाँ पर आ गया दो। अब देखो इनमें क्या परिवर्तन आपको देखने को मिला है, इसमें और इसमें चेंजेस देखो क्या, कि इनका तो स्थान बदल रहा है, इनका तो स्थान बदल गया, देखो चार नीचे था अब ऊपर आ गया एडजॉइंट में, दो नीचे आ गया, और ये है उनका चिन्ह बदल रहा है, इन वालों का चिन्ह बदल रहा है, चिन्ह देखो ये प्लस का था, ये माइनस का था, प्लस का हो गया, और ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, तो यानी दो वाली कोटि वाली होगी उनके अंदर, तो क्या करना है इनका तो स्थान बदल दो और इनका चिन्ह बदल दो, बस इतना सिंपल सा काम है। तो यानी अगर एक और एग्जाम्पल बात करूँ मैं, जैसे आपके सामने इस प्रकार है एक दो तीन चार, क्या करोगे इनका तो स्थान बदल दो, स्थान बदला क्या आएगा चार एक, इनका चिन्ह बदल दो, चिन्ह यानी माइनस दो माइनस तीन, ये आपका एडजॉइंट आ गया, ये दो कोटि का है। बात करते हैं अपन अभी तीन कोटि का एडजॉइंट आप कैसे ट्रिक से निकालेंगे, देखो वैसे एडजॉइंट निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, यानी आप इस तरह सारी चीज़ें निकालो, ये तो दो कोटि का था बिल्कुल आसान था, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे करते हैं ट्रिक से तो और भी अच्छा रहेगा, लेकिन तीन कोटि वाला है उसके अंदर ट्रिक ही आपको अपनानी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर आप कैसे तीन चार मिनट लग जाएंगे एक एडजॉइंट निकात करने में, तो उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन अब देखो ट्रिक से कैसे आप कर सकते हैं उसे एक मिनट के अंदर, तीन कोटि के एडजॉइंट की बात हम करते हैं, तीन कोटि के एडजॉइंट को हम ज्ञात करेंगे, और देखिए समझिएगा ट्रिक को, तीन कोटि का एडजॉइंट ज्ञात करना, तीन क्रॉस तीन का मैट्रिक्स का एडजॉइंट, देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास ये इस प्रकार अवयव हैं एक दो तीन, फिर आगे पाँच छः सात और फिर आगे तीन एक चार। ट्रिक देखिएगा क्या करना है, सीधा एडजॉइंट आएगा, सबसे पहला काम क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहला काम जो सेम टू सेम लिख दो इनको पहले, तो ठीक है इनको सेम टू सेम लिख दिया, पाँच छः सात पहला काम है सेम टू सेम लिखना, ठीक है उसके बाद पहली दो पंक्तियों को दोबारा लिख दो नीचे, सुनना ध्यान से, पहली दो पंक्तियों को दोबारा लिख दिया, ठीक है दो स्तंभों को दोबारा लिख दो, ये जो दो पिलर हैं ऐसे कैसे इधर लिख दो, क्या आएगा एक दो पाँच छः आगे तीन एक, एक दो पाँच छः, ठीक है देखना अभी समझ में आएगा, चिंता मत करो। अब पहली पंक्ति को काट दो, इसमें पहले स्तंभ को काट दो, अब ऐसा एक यहाँ पर बॉक्स बनाओ सारणी का, अब देखो क्या करना है, अब देखो ऐसे चलना है आपको, यहाँ से स्टार्ट होना है और नीचे तक जाएंगे और अवयव इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है तो पहले इसका गुणा इसके साथ कराते हैं, छः चौके चौबीस में से सात घटाएंगे, चौबीस में से सात घटने के बाद कितने बचेंगे अभी, सत्रह बचेंगे, तो यहाँ पर सत्रह आ गया, ठीक है फिर ये ऊपर हो गया, अब देखो इसकी इसके साथ गुणा कराएंगे, इसकी इसके साथ, तो तीन की एक के साथ कराएंगे, तीन माइनस का आठ यानी माइनस का पाँच, ऐसे बढ़ेंगे आगे, इसमें ऐसे बढ़ेंगे, इसमें नीचे की ओर जाएंगे, सात दुए चौदह माइनस अठारह, चौदह में से अठारह यानी माइनस का चार, सात दुए चौदह माइनस का अठारह, पहली आपकी पंक्ति खत्म। दूसरी में ऐसे ही, दूसरी में सात ये इक्कीस माइनस बीस, इक्कीस माइनस बीस यानी एक आएगा, इक्कीस माइनस बीस मतलब एक आ गया, चार के एक के साथ तीन की तीन के साथ, चार माइनस का नौ कितना, माइनस का पाँच, ठीक है ऐसे इसकी पाँच थी पंद्रह माइनस का सात कितना, आठ हो गया। अब एक और बचा है, पाँच की एक के साथ छः थी अठारह, पाँच माइनस अठारह तेरह बच गया माइनस का, ऐसे ही इसके साथ तीन दो छः और एक पाँच बच गया, छः एकम छः पाँच दो दस माइनस का कितना बच गया चार, तो ये आपका एडजॉइंट आ गया, कितना सिंपल है। और वैसे करते तो बहुत टाइम लगता, वैसे करके जैसे मैंने तरीका बताया एडजॉइंट निकालने का, पहले दो सारणी के निकालो, फिर जो माइनस वाले हैं जो विषम संख्या है वहाँ पर माइनस लगाओ, फिर उसका आप परिवर्तन लो, तो तीन कोटिक में थोड़ा सा वो डिफिकल्ट काम हो जाता है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं।
ट्वेल्थ लेवल पर तो हम वैसे ही करना होता है, ये तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको तरीका बताया शॉर्ट। और दोस्तों कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतरीन सिखाई जाएँ ताकि आप जल्दी से क्वेश्चन कर सकें, और ऐसे ही लगातार मैंने कोशिश की है। ठीक है, ये चीज़ सीख के क्वेश्चन बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एडजॉइंट में से। अब एडजॉइंट के कुछ गुणधर्म आएंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखो इसको लिखो भैया, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ डॉक्टर। कुछ एक दो गुणधर्म है एडजॉइंट के, ठीक है, एडजॉइंट ए के गुणधर्म दो ही याद रखने आपको, मैं तो दो ही कराऊंगा क्योंकि रिवीजन में जो काम आते हैं मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वही है, बाकी तो ऐसी बकवास है आधी से ज्यादा। ठीक है, जो काम आएंगे वो चीजें लिखो जो क्वेश्चन में बार बार आते हैं एग्जाम के अंदर, एडजॉइंट ए के गुणधर्म। ठीक है, एडजॉइंट ए के गुणधर्म नंबर एक, अगर आप इस प्रकार निकालते हैं एडजॉइंट ए, ये आपके पास आए कि एडजॉइंट ए ऐसे आए, ठीक है, तो क्या इसका मान होगा? देखो एडजॉइंट ए आपको ज्ञात करना है उसका सारणिक, तो सबसे पहले ए सारणिक ज्ञात कर लो, याद कर लिया, उसके ऊपर n की पावर माइनस वन लगा दो, ये पावर होगी n माइनस वन, यानी अगर दो कोटि का है तो n का मान दो हो गया, दो माइनस एक यानी वापिस ए सारणी का ही मान आ जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करें, एक एक चीज करेंगे। अगर ऐसा आ जाए, देखो आपसे पूछे एडजॉइंट ए, एडजॉइंट फिर उसका एडजॉइंट ए निकाला कहे, दो बार दो आया ना तो दो पावर आ जाएगी, कैसे? ए सारणी एन माइनस वन की सुकेर। ऐसे ही आपसे तीन पूछ रहे एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, ऐसा तीन चार बार पूछ ले आपसे, तीन चार चीज़ें आपसे पूछ ले एक साथ, तो इस बार क्यूब आ जाएगी बस, यानी साथ में मपांग तो आपका आएगा। ठीक है, तो a की पावर n माइनस वन की क्यूब याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट a का सारणिक याद करेंगे तो a का सारणिक और उसके ऊपर n माइनस वन, ठीक है, ऐसे नीचे a की सारणिक n माइनस वन की स्क्वेयर। एक प्रॉपर्टी और, जैसे आपसे पूछ ले ए एडजॉइंट ए, ए एडजॉइंट ए ऐसा आएगा क्वेश्चन के अंदर, तो क्या करेंगे, ए का सारणिक और आई एन, आई एन का मतलब आइडेंटिटी, तस्मक ए एडजॉइंट ए, ए सारणिक आई एन, बस। अब देखो क्वेश्चन, ये दो ही याद रखनी है और कुछ है ही नहीं खास। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम के अंदर, और कितना आसान काम हो जाएगा। चलो इसको हम दो क्लासेस के अंदर करेंगे भी, लेकिन क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एक दो दो क्लासेस के अंदर करेंगे इसको। ए बराबर आपको दिया है तीन दो एक चार, हो तो ए एडजॉइंट ए का मान होगा। ठीक है, अब सूत्र याद है ना, सूत्र याद है, प्रॉपर्टी याद है, जो गुणधर्म मैंने कराया है वो याद है, तो मिनट नहीं लगेगी, लेकिन भाई सूत्र वगैरह याद नहीं है आपको, तो देखो एडजॉइंट ए याद करोगे पहले तो इसका, फिर ए के साथ इसकी वापस गुणा कराओगे तो कितना टाइम जाएगा इसके अंदर। इससे अच्छा है सूत्र आपको याद रखना है, जैसे ऑप्शन इसके अंदर दे रखे हैं आंसर के, वो भी लिख देता हूँ, जीरो दस दस जीरो, दस दस दूसरा, ठीक है, ये ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बताना है कि कौन सा आंसर होगा इसके अंदर। तो देखिए इसका मैंने शॉर्ट तरीका आपको बता दिया था, क्या इसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, ए सारणिक और आई एन, अभी बताया था मैंने ए सारणिक, यानी मेन चीज है ए सारणिक याद करना और उसकी किसके साथ गुणा करानी है, इसके साथ 1001। ठीक है, तो ए सारणिक का मान, ए सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं इसके लिए,
इसकी गुणा इसकी माइनस इसकी, तो यानी 12 माइनस का 2 बराबर 10, 10 आ गया। तो 10 देखो 10 इंटू में कितना आएगा, 10 इंटू में यहाँ इसके साथ दशम के साथ, तो क्या आ जाएगा देखो 10 1 0 0 1, तो कितना आएगा 10 0 0 10। कहाँ है भैया ऐसा ऑप्शन, ये रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिएगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर और आए हुए हैं ये तो क्वेश्चन, तो थोड़ा सा इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो क्लासेज में। और ये प्रॉपर्टी मैंने कहा प्रॉपर्टी याद रखनी है, तो प्रॉपर्टी तो आज याद रख ही सकते हैं आप, रखनी भी पड़ेगी आपको भी। क्वेश्चन देखिए, ए बराबर आपको दिया है 1 1 0 1 हो तो एडजॉइंट ए का मान कितना होगा, ए का मान होगा, का मान होगा ऑप्शन आपको दिए हैं, नंबर एक ए सारणी का स्क्वायर, दूसरा दिया है ए, तीसरा दिया है आपको 2a, चौथा आपको दिया है ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला आपको सीधा मैंने आपको बताया था अभी, अगर आपको याद हो तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एडजॉइंट ए बराबर फॉर्मूला क्या था, ए सारणी का n माइनस 2 की स्क्वायर। ठीक है, ए सारणी ज्ञात करना है पहले, तो ए सारणी ज्ञात कर सकते हैं क्या आएगा, 1 माइनस का 0, तो यानी 1 आ गया, यानी 1 की जगह आप लिख सकते हैं कि वापस आपके पास क्या आएगा, ए आएगा। और ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ए के रूप में, तो ऑप्शन ए के रूप में निकालना है, सारणी कैसा ही आएगा, तो ए सारणी n माइनस 2, n की जगह 2 माइनस 2 0 हो गया, और इसकी पावर चाहिए कितनी लगाओ, ये 0 हो गया, ए की पावर 0, देखो यहाँ पर चीज़ें 0 हो गई हैं, और इनटू में आपका ए है, इनटू में देखिए स्क्वायर है तो साथ में ए भी आ जाएगा, एडजॉइंट ए, वैसे भी आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि इसको स्क्वायर के रूप में है, तो साथ में डॉट ए भी लिख सकते हैं, एन माइनस 2 इंटू ए भी आप साथ में लिख सकते हैं। तो देखिए ये तो आपका पार्ट 0 बन गया, ए 0 का मान 1 हो गया, और यहाँ पर देखिए ये कितना आ गया, ए, समझे क्या, देखो यहाँ पर हमने बात की थी इसके फॉर्मूले की, एडजॉइंट ए, यानी इसका फॉर्मूला, सॉरी इसमें मपांग नहीं देर का भी है, बिल्कुल मपांग नहीं देर का, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। एक प्रॉपर्टी और है इसकी, वो मैं कराता हूँ पहले, सुनिएगा एक बार, सॉरी ये प्रॉपर्टी दूसरी है, एक प्रॉपर्टी मैंने कराई नहीं थी, मैंने मपांग वाला सोच लिया इसके अंदर। देखो एक प्रॉपर्टी मैंने ये है ऐसी, एक तो था मपांग वाला, एक ये है, ठीक है, इसके अंदर मपांग नहीं है, तो इसका मान होगा देखिए, ए की सारणिक एन माइनस 2 डॉट ए, ये मान होगा एडजॉइंट ए, देखो दो चीज़ें थी, एक तो एडजॉइंट ए था जिसके अंदर मपांग था तो उसका फॉर्मूला n माइनस 2 की स्क्वेयर था, लेकिन इसके अंदर क्या है, सीधा मपांग नहीं है, तो ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, वैसे मैंने क्लासेज के अंदर कराया था लेकिन यहाँ पर नहीं कराया, तो ये देखिए ये फॉर्मूला लगेगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो आप कर सकते हैं n माइनस 2 यानी 2 माइनस 2 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो a मान आ जाएगा, a कहाँ पर है, ये रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है भाई, कर सकते हैं आप आराम से क्वेश्चन, कहीं दिक्कत नहीं। अब देखो एक आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लें, कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, दो क्लासेस के अंदर करेंगे सारणी को हम कंप्लीट, आगे कुछ और बेहतरीन चीजें बच जाती हैं भाई। देखो 4 2 3 4 हो तो एडजॉइंट ए का मान होगा, देखो इस बार वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने किया था, कौन सा, वही सेम टू सेम, क्या ए की पावर एन माइनस वन होगा ना, ए की पावर एन माइनस वन ये फॉर्मूला लगेगा। देखिए ए की पावर एन माइनस वन वाला ए सारणिक, देखिए सारणिक निकालेंगे पहले, 4 4 16 माइनस 6 10 आ गया, 10 एन माइनस 2 माइनस 1 तो कितना आ गया 1, तो यानी 10 मान आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये था भैया आपके, तो ये इतना हमने
आज के इस लेक्चर में किया है, बाकी जो पार्ट बचा है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।